जैसा कि आपको मालूम है कि विंटर्स में इनडाइजेशन एक बहुत बड़ी इशू आता है, और गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह के इश्यूज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको काफी फेस करने पड़ते हैं, एसिडिटी आपको काफी फेस करनी पड़ती है। पित्त, आयुर्वेद में एक कंपोनेंट होता है पित्त, इन दिनों बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से ये सारी इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, और इनको फेस करने, इनको चैलेंज करने के लिए एक बहुत अच्छी नेचुरल मेडिसिन का फॉर्मूला है जो मैं आपको आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं आफ्टर एवरी मील, इस फॉर्मूले को आप हर मील के बाद लीजिए, और आप देखिएगा कि आपको 2 से 3 दिनों के अंदर ही काफी फर्क पड़ जाता है। द नेचुरल मेडिसिन फॉर दिस इज, आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, 1/5 स्पून। उसके अंदर आप आधा चम्मच जिंजर जूस डाल दीजिए, जिंजर बोले तो अदरक का जूस। इसमें आप थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। इन तीनों को आप आफ्टर एवरी मील टेक विद सम वाटर ऑल्सो। अगर वाटर से लेना चाहते हैं तो गर्म पानी के साथ थोड़े से इसको आप ले सकते हैं। दोबारा मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1/5 टीस्पून, उसमें आधा चम्मच आप जिंजर जूस डाल दीजिए और थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। इन तीनों को आप अगर चम्मच में डायरेक्ट ले सकते हैं डायरेक्ट ले लीजिए, अदरवाइज थोड़े से पानी के साथ ये आप ले सकते हैं। ये आपको हर मील के बाद लेना है, तो ये आपको गैस, इनडाइजेशन, एसिडिटी में काफी मदद करेगा। आई होप दिस नेचुरल मेडिसिन विल हेल्प यू इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनडाइजेशन। थैंक यू।